जादुई हथौड़े की कहानी। सूरजपुर गांव में रामदीन नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक बड़ा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामदीन ने अपना खाने का डब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डब्बा लेकर आई तो रामदीन ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामदीन अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहाँ जैसे ही रामदीन पहुँचा, उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही रामदीन कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामदीन ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामदीन नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामदीन बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामदीन हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकाल कर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामदीन का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे, मुझे माफ़ करना। रामदीन ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने रामदीन को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। रामदीन ने कहा, आपका आशीर्वाद काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया और अब मैं तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। रामदीन अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए और किसी भी कठिन चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हो। रामदीन ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामदीन ने बहुत धन कमाया। आज रामदीन एक अमीर आदमी बन गया है। अभी वो भी जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है।